हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं एक लंबी ट्रिप पे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं बिहार, तो डेस्टिनेशन क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:56, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिप ए भी जीरो है, ट्रिप बी भी जीरो है, ये हमारा टोटल है। टंकी हमने कर लिया है फुल, तो अभी हम निकलते हैं ट्रिप पे। तो चलिए, जैसा जैसा होगा। अभी सुबह के 4 बजे हैं फ्रेंड्स, तो अभी तो नाइट में रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी, फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो जैसे ही सुबह थोड़ी सी होती है तो हम आगे आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए हमारे को पैसेंजर्स को, ये वाइफ, ये मेरा बीच मेरी बेटी है, तो ये हमारे को पैसेंजर्स हैं। तो चलिए सबके साथ में धन्यवाद, हम लोग जर्नी को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अभी अपनी जर्नी पर। ये देखिए अभी एकदम रोड खाली है, सुबह के बज रहे हैं 4, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो चलिए अभी हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। रात में कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा फ्रेंड्स, ये तो हम नहीं बता सकते। तो बच्चों, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। हमारा काम ही क्या है, खाना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो जर्नी है ये कम्प्लीट होगी 2 डेज में। तो फर्स्ट डे हमने अभी वाराणसी का डेस्टिनेशन डाला है। तो ये यहाँ से अप्रॉक्स है 880 किलोमीटर्स और टाइम दे रहा है 16 आवर्स। तो देखते हैं कि कितने घंटे में ये जर्नी हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि हम आराम से रुकते रुकते मजे करते हुए जाने वाले हैं, है ना? हाँ। चलो और पापा कोई गाड़ी चलाना हमको, बोलो गणपति बप्पा बोरिया, जय श्री अम्बे माते की जय। तो अभी हम लोग का पहला जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा नागपुर, जो अप्रॉक्स यहाँ से 147 किलोमीटर्स है। तो उम्मीद है कि 2.5 से 3 घंटे में हम लोग नागपुर पहुँच जाएंगे। बट अभी हम लोग बहुत सुबह में निकले हैं, तो एक बार सुबह में थोड़ा टी ब्रेक तो बनता है, तो हम लोग पहले थोड़ा टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना? हाँ। तो अभी हमारे जर्नी का पहला टॉल आ गया हुआ है, तो अभी हम लोग टॉल पे कर देते हैं। रोड इधर अच्छा है, इसलिए टॉल पे करने में कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे जर्नी का, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे जर्नी का पहला टॉल का सेंटर है। तो चलिए देखते हैं हमारा फास्टैग वर्क करता है नहीं करता है। कर जाओ कर गया फ्रेंड्स। तो हमारा फास्टैग भी काम कर रहा है, आबरा कटाबरा गिली छू हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं नागपुर। हमने अभी तक जर्नी जो कवर किया है वो किया है 141 किलोमीटर, और टाइम जो हमें लगा है वो लगा है अप्रॉक्स 2 घंटे का। तो अभी देख रहे होंगे कि अभी सुबह हो गई है, तो चलिए सुबह का थोड़ा सा मजा लेते हैं। अभी सूर्य भगवान निकले नहीं है, तो जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो आगे का मजा लेते हैं। अभी आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो है रोड देखने को मिल पा रहा है, नहीं तो अभी तक एकदम अंधेरा अंधेरा का समय था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जर्नी को एंजॉय करते हैं। बाईपास रोड पर आ गए हुए हैं, ये नागपुर के जस्ट पहले से एक बाईपास का रोड निकल जाता है, जहाँ से कि अभी हम लोग टर्न हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कि ये रोड कैसा है। अभी आगे पीछे तो हमें बहुत अच्छा रोड मिलता चला आया है,
अभी तक जिस रोड पर थे वो था नागपुर मुंबई हाईवे। अभी हम लोग काटोल बाईपास रोड पर हैं। रोड तो देखने से अच्छा लग रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स जर्नी को एंजॉय करते हैं। एक दुख बड़ी बात यह है कि अभी तक हमें चाय नहीं मिला है पीने को। आगे हम ढूंढते हैं कि चाय कहाँ मिलता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए नागपुर में। तो ये है अश्विनी अमृत तुले चाह। तो देखिए हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे बच्चे भी जो है यहाँ पर कर रहे हैं इंजॉय। फ्रेंड्स अभी हो चुकी है सुबह, तभी हम लोग वो देखिए हमारी को पैसेंजर जो है वहाँ पर खड़ी है आराम से। क्या चल रहा है तुम लोगों का पीछे? कुछ नहीं, अभी जो चरक लगा तो दोनों ऊपर चढ़ गया। बड़ा मजा आया था। उसे टीवी बना कर देखते जाओ। फ्रेंड्स यहाँ से जबलपुर है 233 किलोमीटर और वाराणसी है 689 किलोमीटर। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं NH44 के ऊपर में। आगे ये माउंटेन्स के बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है और आप कितना देख पा रहे होंगे। और एक साइड से जो है सनराइज हो रहा है। अभी बजे हैं सुबह के 7, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे तो गर्मी का मौसम है, थोड़ी देर के बाद एक्चुअल पता चलेगा कि कैसा मौसम है क्या है। और अभी आप थोड़ी से देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा जस्टिस कर पा रहा है कैमरा, वो मैं तो मैं नहीं बता सकता। पर चलिए आगे रोड को एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे अभी टाइम हुआ है 7:11 और ये अभी थोड़ा सा जंगल का एरिया है। एक्चुअली आगे पिंच नेशनल पार्क है, तो ये थोड़ा सा उसके पहले का एरिया है। और गर्मी के कारण पेड़ कितने झुलस गए हैं पता नहीं, कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है और आप कितना देख पा रहे हैं। पर अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये पेड़ और झुलसते जाएंगे। और अभी तक हमें रोड जो है सब बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हम अपने जर्नी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। क्यों बच्चों मजा आ रहा है? बहुत। अभी तक रोड अच्छी मिलने की वजह से ही 200 किलोमीटर करीब लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने 210 किलोमीटर जर्नी ट्रेवल कर ली है और अप्रॉक्स 2 घंटे में हमने ट्रेवल किया है। हम आराम से रुकते रुकते के मूड में आ रहे हैं, कोई हमें गड़बड़ नहीं है। जहां तक पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। बट हमारा जो टारगेट है आज का वो है वाराणसी का। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तो नहीं रात के 8-9 बजे तक जो है हम लोग बनारस पहुंच जाने चाहिए। पर चलिए देखते हैं, जैसा रोड वैसा मज़ा। और मज़े के आगे तो सब कुछ है, तो एंजॉय करते हैं हम लोग। रोड ऐसी ही अगर मिली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे। समृद्धि आ जाए। मेरे फ्रेंड्स को बदनाम करोगे क्या? अच्छा फ्रेंड हो गए तुम्हारे। हमारे दो और भी हैं को पैसेंजर्स जो अभी डब्बे के अंदर में बंद है, तो वो सरप्राइज है। तो हमारे सिम्बा और स्वीटी हैं। मेरे चैनल पे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम लोग रोड को एंजॉय करते हैं और आप ही देखिए। टाइगर रिजर्व में ये पूरा एरिया उसी का है, जैसे कि आप साइड में बोर्ड्स वगैरह पर भी देख पा रहे होंगे। बट अभी समर को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह सूख चुके हैं, जंगल की भी स्थिति बहुत ख़राब है।
यहाँ से जबलपुर जो है 188 किलोमीटर के आसपास में है। अभी देखते हैं कि हम लोग कब तक पहुँचते हैं। इस्टिमेटेड टाइम जो अभी हम लोग को दे रहा है वाराणसी पहुँचने का, वो अप्रॉक्स 11 घंटा दे रहा है। पर अभी बीच में कभी खाने के लिए रुकना है, कभी कुछ काम के लिए रुकना है, तो चल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। आप भी मज़ा कीजिए। सिवनी है 46 किलोमीटर। और ये देखिए, अभी आप पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, पर ये रोड के दोनों साइड में जो है सो ग्रिल्स लगाए हुए हैं ताकि जंगल के कोई जानवर जो है सो रोड पर ना आ सके। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि रोड बहुत अच्छे हैं, जो NH 44 है इसके रोड बहुत अच्छे हैं जहाँ तक हम इस पर ट्रैवल करते हैं। आगे का हमें पता नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो पूरे रोड को ट्रैवल करेंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे जो है सो ग्रीन कलर के शेड से जो है कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, जो कुछ भी पूरा इसको कवर किया हुआ है। तो ये पासा पार कर रहे हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 7:35 और हमने जो अभी तक अब डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 239 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा रोड है। इस रोड से किसी को आना हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको रोड के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचने वाले हैं सिवनी, जो यहां से है 6 किलोमीटर। उसके बाद आएगा जबलपुर जो है 152 किलोमीटर। तो अभी हमारा रूट बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। रास्ता आप देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें। अभी हम लोग का थोड़ा ब्रेकफास्ट चल रहा है। हमने क्या किया था कि थोड़ा फ्रूट्स वगैरह अपने पास में रख लिया था ताकि बच्चों को जो है सो रास्ते में हेल्दी डाइट दिया जा सके और हमें भी जो मिले वो हेल्दी ही मिले। तो फ्रूट्स, कुछ काजू कतली, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने रखे हुए हैं, तो वही अभी बच्चे भी खा रहे हैं और हम लोग भी खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जर्नी को एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है। एकदम रोड एकदम स्ट्रेट चल रहा है, थोड़ी बहुत ग्रीनरी नज़र आ रही है। खेतों में की कुछ फसल कट चुकी है, दूसरे लगने की तैयारी है। जैसे पहाड़ आ रहे हैं। तो अभी एकदम हम लोग जो है सो काफ़ी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे को पैसेंजर्स भी काफ़ी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। कैसा है बेटा जर्नी अभी तक आप लोगों का? बहुत अच्छा। मजेदार चल रहा है? हाँ। वेरी गुड। आगे भी मजेदार चलेगा ना? हाँ। ये जो फ्रेंड्स अगल बगल के नजारे हैं ना, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, आपको दिखला पा रहे हो या नहीं दिखला पा रहे हैं, बट ये ना बिल्कुल अमेजिंग है। कहीं साइड से पहाड़ है, कहीं ग्रीनरी है, कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, बिल्कुल मस्त एकदम।
कैमरा पता नहीं क्या जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। की जो खूबसूरती है ना वो देखते ही बनती है, पहाड़ पहाड़ पर जंगल। ये बात अलग है कि अभी जंगल थोड़े सूख गए हैं, पर जब बरसात का समय या मानसून का टाइम या विंटर्स का टाइम जब रहता है तो रियली मतलब वो समझ से पड़े है कि वो कितना सुंदर दिखता है। अभी पता नहीं कैमरा आप लोग में कितना जस्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, पर मुझे जो फीलिंग आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रोड बनाने के लिए थोड़े पहाड़ तो काट दिए गए हैं, बट चलिए उतना तो एडजस्टमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचने वाले हैं जबलपुर। जबलपुर यहां से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर दूर है। रोड आप देख ही पा रहे होंगे काफी अच्छा है। अभी तक हमें घर से निकले हुए 5.5 घंटे हो चुके हैं और हमने जो ट्रैवल किया है वो किया है 385 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। हमारा स्पीड काफ़ी अच्छा मेंटेन हो के चल रहा है। अभी तक हम वहीं पर रुके नहीं थे, सिर्फ एक बार पेट्रोल लिया है तो वहीं पर अपना जो थोड़ा फ्रेश होना था, वॉशरूम वगैरह भी सभी लोगों ने यूज़ कर लिया, तो बाकी जो है सो अभी कोई वैसा इशू नहीं है। थोड़ा मौसम गर्म होते जा रहा है तो गर्मी पड़ रही है, तो चलिए वो तो कोई इशू बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आप रोड्स वगैरह देख ही पा रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, और जो सीनिक जो सीनिक है वो तो भाई कुछ उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत। अभी आप ही देख पा रहे होंगे इतना ज़्यादा ये है, मतलब पेड़ पूरे सूख चुके हैं, पहाड़ों पर पहाड़ पूरे वीरान नजर आ रहे हैं, बट सीन्स इतने प्यारे लग रहे हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, अमेजिंग एकदम। तो चलिए थोड़े से सीन आप भी इंजॉय कीजिए और थोड़े हम भी इंजॉय करते हैं, बातें तो फिर होती रहेंगी। टाइम हुआ है 10:25, मतलब लगभग हम लोगों ने 6.25 घंटे की जर्नी जो है कंप्लीट की है और डिस्टेंस हमने कवर किया है 430 किलोमीटर। तो अभी तक जो है सो बहुत अच्छा लग रहा है, रास्ता भी बहुत अच्छा कट रहा है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सुबह में एक नींद भी इनकी कंप्लीट हुई है। यहाँ से कटनी पड़ेगा 100 किलोमीटर, तो चलिए आगे का रोड इंजॉय करते हैं हम लोग। सीनिक बहुत मज़ेदार है फ्रेंड्स, अगर रास्ते के सीनिक की बात की जाए तो पूरा मज़ा आ जाता है, एकदम दिल खोल के सीन्स आते हैं। तभी हम लोग जो है सो जबलपुर के बाईपास पर हैं, अच्छा लग रहा है। पहले लगा था कि गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, पर अभी तक तो ऐसा कुछ मस्त पड़ा। नागपुर से लेकर अभी तक के जितने भी हमें रोड्स मिले हैं या जो भी है वो बहुत परफेक्ट मिले हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। रोड्स कंप्लीट 4 लेन में चल रहे हैं अभी हम लोग, तो आगे देखते हैं कि कैसा है। उम्मीद है कि रीवा तक 4 लेन आना चाहिए, बीच में हो सकता है थोड़ा सा 2 लेन का रोड है जैसा मुझे पिछली बार मिला था, अब इस बार का पता नहीं है कि क्या है, तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल का बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि उससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। अच्छा लग रहा है, पहले लगा था कि गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, पर अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। क्यों बच्चों महसूस हुआ है क्या? नहीं महसूस नहीं हुआ है, हमारे सिम्बा स्वीटी को भी महसूस नहीं हुआ है, तो बार बार निकल के देखते हैं। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है सो एंजॉय करते हैं रास्ते को। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके जबलपुर से, अभी कटनी की ओर बढ़ रहे हैं, तो रोड्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बस मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ओवरऑल गाड़ी के अंदर कुछ खास पता नहीं चल रहा है,
ब्रेकफास्ट हमने सुबह में थोड़ा सा कर लिया था, हमने अपने पास में कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। कुछ अच्छे चाय के स्टॉल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक मिला नहीं है। तो अभी हम कटनी रूट में हैं तो उम्मीद है कि आगे कुछ मिलने का चांसेस ले सकते हैं। और जब हम कटनी पहुँचते हैं तब हम आपको अपडेट देते हैं इसके बारे में। लोग रुके हैं यहाँ क्या होगा बनारस आप दिख रहे हो। मैं आपको एक दिखाती हूँ साइड एक के ऊपर निकाल के दिखाती हूँ। रुको रुको निकाल के दिखाती हूँ। एक छोटे से टी ब्रेक के लिए टाइम हुआ है 11:20। लगभग हम लोग 490 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कटनी की ओर। तो अभी कटनी की अभी टोटल बनारस की जो दूरी बता रहा है वो बता रहा है 403 किलोमीटर 7 hours 3 minutes जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड जीपीएस पर जो टाइमिंग बता रहा है वो बता रहा है 7 hours 3 minutes। ये है बनारस तक का डिस्टेंस 403 किलोमीटर्स। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रैवल किया है वो किया है 490 किलोमीटर्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का खाना कंप्लीट हो गया है तो दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी हम कटनी पार कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं तो एक ये ढाबा था जयसवाल ढाबा करके, अच्छा खाना अच्छा दिया इसने क्योंकि हमें बहुत दूर तक कुछ मिल नहीं रहा था तो इसलिए अभी हमने यहाँ पर ट्राई कर लिया। खाना अच्छा था, बच्चे ने भी खाना खा लिया तो प्रॉपर लंच टाइम पर प्रॉपर खाना हो गया है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबका अच्छे से हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का जो कुछ सीन है ना वो बहुत ज़बरदस्त सीन है तो चलिए मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लगातार माउंटेन्स ना एक के बाद एक सीक्वेंस में है। जस्टिस कर रहा है ये तो हमें नहीं पता पर हम ट्राई करते हैं कि आपको भी दिखला सकें। तो चलिए देखते हैं और रोड को एंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो एक के बाद एक एकदम पैरेलल में चल रहे हैं। लग रहा है जैसे एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है दूसरा खत्म हो रहा है तीसरा स्टार्ट हो रहा है और ये काफ़ी दूर तक है। तो कैमरा मेरे ख्याल से बहुत कुछ जस्टिस कर पा रहा होगा और आप भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए कुछ अच्छे सीनरी को हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे तो धूप बहुत है, पूरे पहाड़ के सारे पेड़ सूख चुके हैं पर फिर भी जो दिख रहा है वो अच्छा ही लग रहा है। बट कभी हम लोग अच्छे मानसून के टाइम पर यहाँ आएंगे और तब इसकी वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए कुछ अच्छे सीन्स को हम लोग एंजॉय करते हैं। किलोमीटर तो पहले हम मैहर जाएंगे, मैहर से फिर रीवा जाएंगे, फिर वहाँ से जो है मिर्ज़ापुर होते हुए वाराणसी जाएंगे ऐसा अभी गूगल मैप बता रहा है। तो टोटल टाइम एस्टिमेटेड जो बता रहा है वो 6 घंटे का बता रहा है बट अगर रोड का कंडीशन ऐसा रहा तो शायद हम लोग 6 घंटे में प्रॉपर पहुँच जाएंगे, नहीं तो मे बी कुछ आगे पीछे हो सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि हम 6 घंटे की जर्नी 6 घंटे में ही कम्प्लीट करें, उससे आगे ना जाना पड़े चूँकि तब तक रात हो जाती है। तो चलिए इन्जॉय करते हैं।
अभी हम हैं मेहर के बाईपास पर, तो यहाँ से अभी हमें जाना है रीवा, फिर रीवा से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से बनारस, ऐसा हमारा प्लान है। तो मेहर अब पहुँच गए हैं, अप्रॉक्स 1:40 अभी हुए हैं, और डिस्टेंस जो टोटल हमने कवर किया है वो किया है 601 किलोमीटर। तो अभी तक की जर्नी बहुत आरामदेह और बहुत सुकूनदेह है, कहीं पर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है, टाइम पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की जर्नी को एंजॉय करते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। पार कर रहे हैं रीवा, तो हम लोग रीवा के बाईपास पर हैं अभी। तो अभी टाइम हुआ है 2:30 और 670 किलोमीटर हम लोग टोटल जर्नी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो रोड है वो 2 लेन है, बट रोड मिला जुला के अच्छी है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि थोड़ा ट्रैफिक का कंजेशन मिलता है। तो देखते हैं 2 लेन रोड कब तक चलती है, बहुत देर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारा टाइम जो है सो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ऐसे ओवरऑल सब ठीक है, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत 1 और 2 किलोमीटर के कुछ पैचेस थे जहाँ पर कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो भी इतनी 700 किलोमीटर अप्रॉक्स जर्नी में 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहे होंगे, क्यों सोनी? हम तो मजे मजे कर रहे हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि हम तो मजे मजे कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मजे आ रहे हैं इनको पीछे में बैठ के। चलिए आ रहे होंगे, सारे रोड का अभी शुरू है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी रीवा से निकल रहे हैं, अभी बाईपास पर हैं, तो यहाँ से अभी नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो मिर्ज़ापुर होगा, और मिर्ज़ापुर से वाराणसी होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस अप्रॉक्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं 232 किलोमीटर जो वाराणसी पहुँचने तक है, फिर वहाँ पहुँच के हम लोग कुछ होटल्स वगैरह लेंगे, तो उसकी डिस्टेंस में भी कुछ कम ज़्यादा, बट अराउंड 250 किलोमीटर हमें अभी ट्रैवल करना है आज के दिन में। तो ये हमारा D1 जर्नी है, तो चलिए अभी अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। है 230 किलोमीटर, तो अभी हम लोग टूवर्ड्स वाराणसी हैं, बीच में मिर्ज़ापुर आने वाला है, और रीवा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि अभी तक हमारी जर्नी 685 किलोमीटर की कंप्लीट हो चुकी है, और टाइम हो रहा है 2:45 PM। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम के 7 या 8 बजे तक हम होटल्स में चेक इन कर लेंगे, बाकी आगे देखते हैं, सब कुछ मेरे ख्याल से अच्छा रहना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुए हैं 4:20 और अभी हम मिर्ज़ापुर की ओर बढ़ रहे हैं। मिर्ज़ापुर यहाँ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है, तो अभी तक हम लोगों ने अपनी जर्नी जो है अप्रॉक्स 780 किलोमीटर की ट्रैवल कर ली है। अभी तक सब कुछ एकदम सही से चल रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम थोड़ा सा पेट्रोल लेने के लिए हम लोग रुके थे, उसके बाद मैंने सोचा कि आपको एक अपडेट दे देता हूँ। बाकी रोड्स वगैरह सब अच्छे लग रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अब मिर्ज़ापुर के पास में देखते हैं कि रोड वगैरह का क्या कंडीशन है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मिर्ज़ापुर के पास में 1 वे था और कुछ काम चल रहा था। सॉरी, मैंने आपको बताना भूल गया, मिर्ज़ापुर 66 किलोमीटर है यहाँ से, तो अप्रॉक्स 1 आवर की जर्नी है मिर्ज़ापुर की, और टोटल 2.5 घंटे की जर्नी मुझे बता रहा है वाराणसी तक की, जो कि है 125 से 150 किलोमीटर के बीच में।
चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं जर्नी को। पिछला ये रोड में बहुत देर तक निकलने में यहाँ से हो गया था दम अंधेरा, मतलब टाइम तो हो रहा था वही साढ़े चार पाँच छः पाँच साढ़े पाँच का ही टाइम था, लेकिन ठंड के कारण अंधेरा हो गया था। अंधेरा होना मिर्जापुर यहाँ से 52 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स 1 आवर की जर्नी मिर्जापुर की है। जब मैं लास्ट टाइम आया था लास्ट ईयर, तब ये रोड बहुत ज़्यादा डैमेज था और इस रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि जब हम माउंटेन से उतर रहे हैं तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी जो है ये रोड काफ़ी अच्छा बन गया है और बहुत स्मूथ रोड है। ऐसे MP में UP में रोड्स के कोई दिक्कत नहीं है, 99.99% रोड्स जो हैं अच्छे हैं जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी के मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो कैसे हैं क्या हैं, बट हाँ डेवलपमेंट हो रहा है ये दिख रहा है। तो अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये रोड्स वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं। अब वाराणसी तक पहुँचने के बाद क्या होता है वो हमें भी नहीं पता है, बट जो एक मेन प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या है, तो फिर जैसा रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। खुल जा सिमसिम, खुल गया। से कहाँ कहाँ घुसाया याद है ना, तो फ्रेंड्स ये जो रूम है ये अभी हमने रात में वाराणसी में लिया है। आप रूम देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रूम दिया है, थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से छोटा है, बट फैसिलिटीज़ पूरी 3 स्टार और 4 स्टार वाली है, कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो
ये इसका जो है सो वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेंटेन्ड है। मेन हम लोग पहले जब भी कहीं आते हैं तो पहले वॉशरूम वगैरह चेक करते हैं, हाँ ये सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। ये है इसका नाम जो है वो है द एलिगेंस होटल। मैं इसकी लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा होटल की, बट ये इसका नाम है होटल द एलिगेंस।